तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना जी हाँ तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना हर रोज़ की सुबह ये यार आना चलता आ रहा है पिछले दो साल से ढाई साल से और अब तीन साल भी हो जाएंगे पता नहीं लेकिन कोविड है कि जाने का नाम नहीं लेता है कोविड है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं क्या कोविड कभी जाएगा या यही सब ऐसे ही चलता रहेगा जी हाँ आने वाले दिसंबर तक तो ऐसे चलेगा आप कोई दिसंबर तक उम्मीद मत रखो कि कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इसी प्रकार से इसी अंदाज में कोविड चलता रहेगा मैं बार बार बोलता हूँ कि सागर की लहरों की तरह से ये आएंगी आपको छूएंगी टच करेंगी चले जाएंगी कोई भारी नुकसान नहीं होगा ज़्यादातर लोगों को सिर्फ उन लोगों को जो कोमोर्बिड कंडीशन है या जो बूढ़े लोग हैं सिर्फ उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है Uh, मेरे अंडर में अभी जो पेशेंट एडमिट हुए सबकी छुट्टी हो गई uh, लोग कहेंगे सर जब कुछ था नहीं तो फिर एडमिट क्यों किया सर वो किसी और प्रॉब्लम की वजह से आए थे एक शुगर लो करने की वजह से आया था एक चेस्ट पेन हार्ट अटैक की वजह से आया था उनका कोविड निकल गया तीसरा पेशेंट फीवर हाई ग्रेड फीवर करके आया था और वॉमिटिंग हो रही थी तो बिना uh, हमें हमें भी नहीं मालूम था कि कोविड निकल आएंगे लेकिन वो कोविड निकल गए और मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि ये मैं जैसे बोलता हूँ कि सागर की लहरों की तरह से आती जाती रहेंगी यही बात अनुराग अग्रवाल हैं चेयर ऑफ डब्ल्यू एच ओ टेक्निकल एडवाइजर ग्रुप के जो हैं उन्होंने भी यही बोला कि अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे दिसंबर तक तो आप तैयार रहिएगा कि ये लहरें आज इंडिया के इस पार्ट में है तो कल दूसरे पार्ट में होंगी परसों अगर आप ध्यान करें ये शुरुआत हुई थी कहाँ से दिल्ली से ये शुरुआत हुई थी हरियाणा से ये शुरुआत हुई थी यूपी से लेकिन दिल्ली से शुरुआत हुई और दिल्ली के बॉर्डर पे ही एन में चाहे वो गाजियाबाद था नोएडा था फरीदाबाद था गुड़गांव था यही पार्ट थे हरियाणा यूपी के जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे यानी मेट्रो सिटीज वापस वहीं से फिर शुरू हो गई है बाकी इंडिया में कम हुए तो यहां से फिर शुरू होगी यहां पे कम होंगे तो बाकी इंडिया में शुरू हो जाएंगे तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अप एंड डाउन अप एंड डाउन कहीं ना कहीं चलता रहेगा इसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश मुझे नहीं नजर आ रही है केसेस यही पंद्रह हज़ार से पच्चीस हजार के बीच में चलते रहेंगे आने वाले दो तीन महीने और भी ऐसा रह सकता है और और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अब कोई फंक्शन आएंगे कोई फेस्टिवल आएगा तो उस पर भी अब करवा चौथ आएगा पंद्रह अगस्त आएगा है ना राखी बांधेंगी अब राखी के साथ कुछ कोई ना कोई कोविड भी बांध देगा आपको या आप बंधवा लोगे तो कुछ ना कुछ अब कितना आप अप अपने आप को इंसान रोकेगा बताओ कब से हम ये सब देखते आ रहे हैं तो कुल मिला के ये थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन होंगे आप इसमें कुछ कर नहीं सकते पर मैं यही बोलूंगा कि ठीक है अपनी सावधानी रखो भाई लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि एक्टिव केसेस कम होने शुरू हो गए हैं पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि एक्टिव केसेस आज जो एक्टिव केसेस हैं एक लाख उनतालीस हजार हैं तेरह हजार सात सौ चौंतीस केसेस आए हैं थर्टी फोर डेथ हुई है भले ही आज मंगलवार क्यों ना हो लेकिन कई बार सोमवार मंगलवार में भी केसेस कम नहीं हो रहे थे तो ये थोड़ा सा संकेत यही है कि केसेस रुक से गए सिर्फ दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश और आपका हिल्स एरिया जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल है वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं क्या मौसम का असर पड़ेगा आने वाले में सर्दियों में है ना तो उसका भी वो देखना पड़ेगा महाराष्ट्र में 800 के आसपास केसेस आए हैं तो महाराष्ट्र में एक हजार से नीचे केसेस आए हैं काफ़ी दिनों के बाद केरला में 1300 सौ कर्नाटका बारह सौ कर्नाटक केरला में सात डेथ हुई है कर्नाटका में बारह सौ अस्सी तमिलनाडु तेरह सौ आंध्रा सेवेंटी फाइव वेस्ट बंगाल थ्री ट्वेंटी सिक्स सॉरी यूपी थ्री ट्वेंटी सिक्स वेस्ट बंगाल फोर थर्टी सिक्स छः डेथ हुई हैं वेस्ट बंगाल में दिल्ली आठ सौ बाईस दिल्ली के बारे में एक बात जरूर बोलूंगा कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट ग्यारह परसेंट के ऊपर जा चुका है जो कि अच्छी बात नहीं है कहीं से भी और दो डेथ हुई है मैं बार बार बोलता हूँ एक भी डेथ जिसके घर में होती है वो भाई हंड्रेड परसेंट होती है ठीक है भले ही आपको दिखता हो कि इससे दो डेथ रोज की हो रही है लेकिन केसेस आप देखें तो सिर्फ आठ सौ बाईस आप परसेंटेज निकालें डेथ का आंकड़ा और डेथ और केसेस का आंकड़ा कहीं ना कहीं अंडर अंडर वो हो रहा है रिपोर्टिंग मुझे ऐसा लगता है केसेस कहीं गुना ज्यादा है इससे एटलीस्ट दिल्ली का जहां तक मुझे लगता है कि और इसी वजह से जो कि टेस्ट कम हो रहे हैं इसी वजह से पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा आ रहा है ग्यारह परसेंट के आसपास आ रहा है तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है हालांकि सीरियस पेशेंट नहीं आ रहे बस यही एक अच्छी बात है लेकिन एक खबर और भी है कि हिमाचल में तीन डेथ हुई हैं ये थोड़े से कान खड़े करने वाली बात है हिमाचल में तीन डेथ होना हालांकि हिमाचल में केसेज भी इस समय काफ़ी ज़्यादा हैं आठ सौ हैं तो हिमाचल में भी इस समय काफ़ी मात्रा में केसेस आ रहे हैं तो दिल्ली वाले हिमाचल वाले इनको सावधान रहना चाहिए और इसके आसपास के बॉर्डर वाले राजस्थान ओडिशा सात सौ सत्तानवे राजस्थान दो सौ अट्ठानवे गुजरात छः सौ छत्तीसगढ़ आठ पाँच सौ अठहत्तर एम पी एक सौ छियासी हरियाणा छः सौ तेलंगाना सात सौ सत्तर पंजाब दो सौ बहत्तर आसाम पाँच सौ जम्मू कश्मीर तीन सौ सत्तानवे उत्तराखंड दो सौ पचहत्तर झारखंड एक सौ चालीस हिमाचल मैं बता चुका हूँ गोवा एटी फाइव मिजोरम थ्री थर्टी सेवन पुडुचेरी 38 मणिपुर 59 और त्रिपुरा 178 चंडीगढ़ 89 अरुणाचल 69 सिक्किम 31 नागालैंड 15 बहुत दिनों से मैंने एक बात नहीं आपको बताई है जो कि बच्चे अक्सर सुनना चाहते थे तो क्या वो वही वो दिल्ली 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 तो शुरू हो जाऊं आज बहुत ओ दिल्ली 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 नजमगढ़ बात दिल्ली बातुरगढ़ दिल्ली नागुलई दिल्ली पीरागढ़ है कोई घड़ी ओ कोई ना ओ कोई ना ओ कोई ना ओ बले बड़े सर आप बोरिंग हो गए हो आप कुछ करते हैं नहीं आप बड़े ढीले हो गए हो क्या करूँ एक शाम का क्लिनिक खुल गया है उसमें टाइम देना पड़ता है साढ़े छः से साढ़े नौ मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई मैं तो इतना मस्त रहने वाला इंसान था कितना काम करूँ मैं वीडियो भी बनाऊँ ये भी करूँ आप थोड़ा वीडियो कम आएंगे मेरे मुझे लग रहा है इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है चलो एनी वेज लाइफ पहले पेशेंट सबसे पहले हैं भाई है ना मरीज सबसे पहले हैं जितने ज़्यादा लोगों को ठीक कर पाऊँ अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए इससे अच्छा कोई बात हो नहीं सकती वीडियो शीडियो तो बनते ही रहेंगे ये सब चलता रहेगा प्रोग्राम चलो तो हिमाचल में तीन डेथ का होना शुभ संकेत नहीं है तो मैं फिर बोलता हूँ कि सावधान रहिएगा दिल्ली में एक और मंकी पॉक्स का पेशेंट मिला है नाइजीरिया का पेशेंट है और हमारे यहाँ नाइजीरियावासी बहुत सारे हैं और ये पॉजिटिव आ गया मंकी पॉक्स है तो ये छठा पेशेंट है इंडिया में जो कि पॉजिटिव मिला है ठीक है पीजीआई चंडीगढ़ में एक स्टडी हुई है जहाँ पे पाया गया कि एक कोविड मदर जो प्रेग्नेंट मदर थी उन पर स्टडी की गई जहाँ पाया गया कि छब्बीस में सिम्टोमेटिक थी सिर्फ माइल्ड इन्फेक्शन था पंद्रह सीवियर थी ये छः की डेथ हुई और लेकिन स्टिल बर्थ काफियों ने काफियों में स्टिल बर्थ यानी बर्थ के टाइम पे बच्चे का मर जाना ऐसा भी देखा गया तो ये एक स्टडी हुई है पीजीआई चंडीगढ़ में अब क्या करेंगे कुछ कर तो सकते नहीं हम लोग दिल्ली में इस समय करीब 309 पेशेंट एडमिट हैं जिसमें 306 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं आईसीयू में 91 वन है तो कोई कुल मिला के अब बोलूंगा दिल्ली वालों थोड़ा सा प्रिकॉशन रखो क्योंकि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है मैं बार बार बोलता था हूं कि कोविड मेरी तरफ से तो जा चुका है पर मुझे लगता है कि ये जा तो चुका है लेकिन ये जो इसका अभी पिछवाड़ पिछवाड़ा बाकी है जाने से ये जो पूंछ अटकी हुई है ये अटकी रहेगी आने वाले दो तीन महीने तक और ये लहरों की तरह से समुन्द्र की लहरें आपको टच करेंगे सिर्फ छुएंगी और चली जाएंगी सिर्फ आपको माइल्ड डिजीज हो रही है ज्यादातर लोगों में एडमिशन की बहुत कम पड़ रही है ओमिक्रोन के ही वेरिएंट है जब तक कोई अभी तक जितने भी वेरिएंट आए हैं कोई भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हुए हैं जितने भी आए हैं अफवाहें ज़रूर उड़ते रही कि नागपुर में ऐसे पेशेंट मिले हैं बंगाल में डेल्टा जैसे मिले हैं ऐसा सुनना सुनने को जरूर आया लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा जब तक मैं ऐसा ना देख लूँ एक पेशेंट देखा था वो गायब भी हो गया उसका पता ही नहीं चला वो गया कहाँ वो ना मैं उसको ट्रेस कर पा रहा हूँ तो एनी ये थी आज की गुड न्यूज़ और आप सभी से कहूँगा कि भाई अपनी हेल्थ पे ध्यान दें अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें और लोग नहीं सुधरे अभी तक जो अब तक नहीं सुधरा वो आगे क्या सुधरेगा ठीक है थैंक यू वेरी मच आपका अपना मुन्ना भाई एम बी बी एस और जाते, जाते जाते बोलूंगा क्या आपका शशि कपूर बहुत दिनों के बाद आपके सामने एक रंगारंग कार्यक्रम पेश करने जा रहा है अबे कुछ ना है मेरे पास रंगारंग जिंदगी वैसे बेरंग हो गई है तो क्या मुसाफिर हो यार नगर घर है ना ठिकाना हे मुसाफिर हूँ यारो नगर घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना जी हाँ सिर्फ चलते जाना है रुकना नहीं है भगवान ना करे कि मुझे रुकना पड़े मेरे ज़िंदगी के सबसे ख़राब दिन सबसे उदास दिन वही होंगे जब मुझे रुकना पड़ेगा और रुकता इंसान तभी है जब कोई दुख आता है जो कोई तकलीफ आती है और बड़ी तकलीफ़ आती है छोटे मोटे दुखों से तो मैं घबराता ही नहीं हूँ छोटे मोटे दुख छोटी मोटी प्रॉब्लम तो जिंदगी भर सबके साथ चलती रहती है लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम चाहे हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम हो चाहे फैमिली से जुड़ी प्रॉब्लम हो कोई भी प्रॉब्लम बस इतना ही प्रे करो कि ये शो बिना इंटरप्शन के चलता रहे और मैं हर रोज आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल देख लिया करूँगी थैंक यू वेरी मच बायरा शबक